आपस में जब करने लगे मारपीट तो बौखला उठे सलमान खान। पारस शेफाली सिद्धार्थ डे, सलमान ने लगाई सबकी बात। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद, आपका स्वागत है फिर से बिग बॉस के अड्डे में। आज मेरे साथ है यास्मीन, दर्शिका और प्रशांत। सीधा सीधा हम प्रशांत से जान लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या क्या धमाल देखने को मिला। तन्वी, एज यू नो, जैसे तुम जानती हो कि लगातार इस हफ्ते पिछले कुछ एपिसोड्स में लगातार लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं घर के अंदर। वहीं कल भी आसिम और पारस के बीच में भी काफ़ी लड़ाई देखने को मिली। फिर वहीं इसी बीच में देबोलिना और सिद्धार्थ शुक्ला भी लड़ जाते हैं। इसके अलावा घर में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि भी आपस में फिर से बात करते नजर आए, अपनी चीज़ों को सही करते नजर आए। और कल एक इतनी लड़ाई झगड़े के बाद घर के अंदर काफ़ी प्यार भरा एक ग्रुप जो है सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल वाला ग्रुप, वो थोड़े अच्छे मूड में नज़र आए लास्ट में, तो ये सब चीज़ देखने को मिली। इसके अलावा एक टास्क भी हुआ, कुरकुरे वाला एक टास्क हुआ था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला की टीम जीत गई थी, तो उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी, तो कल काफ़ी अच्छा रहा। यास्मीन, जैसे प्रशांत ने बताया कल के एपिसोड में पारस और आसिम के बीच में काफ़ी झगड़ा देखने को मिला, तो तुम्हें क्या लगता है उस पूरे झगड़े में कौन सही था कौन गलत? यहाँ पे हाँ, कल के एपिसोड में ऐसा देखा गया कि आसिम रियाज ने एकदम आपा खो देना जो कहा जाता है वो उनका वैसा वाला दिखा, एकदम अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे वो। होना भी उनका सही था क्योंकि बेसिकली बात ये थी वहाँ पे कि चाय पत्ती इन्हें नहीं मिल रही थी, और जिस वजह से मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, और पारस ने बहस में इन्हें माँ की गाली दे दी, और ऑब्वियसली बात है कि अब माँ की गाली कोई भी नहीं सुन सकता है, तो उनका गुस्सा तो वहाँ पे जायज़ है। मुझे यहाँ पे आसिम रियाज ही सही लगते हैं, पारस तो कहीं पे से मतलब उनका वो कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में अपने आप को सही बताते हैं। दर्शिका, क्या लगता है इस पूरे मामले में सही कौन था और गलत? आसिम सही लगे मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पारस की टीम अलग ही लेवल पे जा रही है। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बिग बॉस की जो चीज़ें हैं वो छुपा दोगे। इन्होंने अपना मतलब चाय पत्ती छुपाना, कुछ भी चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह सब इन्होंने अपने अलग अलग जगह पर छुपा रखे, तो सामने जो दूसरी टीम है क्या वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है? उन्हें भी तो चाहिए खाने के लिए, वो बाहर से लेके आएंगे नहीं। और ये चीज़ मांगने पर और इतना बवाल हुआ कल, मतलब इतनी छोटी सी बात पे इतना चढ़ गए कि मतलब तुमने छुपा दिया। और मुझे ऐसा लगा कि आसिम को जिस तरीके से उन्होंने गाली दी थी वो उनका गुस्सा होना जायज था, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया था वो, कि मतलब पूरी लिमिट क्रॉस, उन्होंने घर की सारी चीजें फेंकनी, मतलब अगर ऐसा लग रहा था कि वहां पे उनको कोई बचाने वाला नहीं होता तो एक दूसरे को मार के कल वो घर से बाहर निकल जाते। सुशांत, कौन सही लग रहा है यहाँ पर कौन? देखिए, मैं बताऊँ तो जैसे ये दोनों बोल रहे हैं कि आसिम को अगर कोई भी किसी को माँ की गाली देगा तो कोई नहीं सुन सकता, लेकिन इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखाना, वो भी इतना ज़्यादा कि तुम किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहे हो, इवन सिद्धार्थ शुक्ला तक उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, माहिरा शर्मा के भी चोट लग गई बीच में उनको बचाते बचाते, तो जो पारस छाबड़ा है, बेसिकली पारस छाबड़ा ज़बरदस्ती जो है आसिम उनमें आके घुसे, उन्होंने ज़बरदस्ती आसिम ने आकर के उनको बोला कि मर्द बन, और एक बार नहीं हज़ार बार बोल चुके हैं भाई, हर बंदे के अंदर एक ईगो होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अगर तुम किसी लड़के को बार बार आके बोलोगे जनानी मत बन, मर्द बन, किसी को भी गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में गाली निकलना आम बात है, क्योंकि गालियों कोई देता नहीं है, पर माँ की गाली देना डेफिनेटली बहुत गंदी चीज़ है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से मतलब पारस और आसिम की लड़ाई है वो डे वन से ही मतलब ऐसे आसिम को उकसाते हैं कि तुम कुछ बोलो, मैंने पारस को कई बार देखा है कि बोलते हुए उकसाना, ठीक है, लोग एक दूसरे को घर में उकसाते ही हैं, ज्यादा ज्यादा आसिम को वो गधा ये वर्ड का यूज करते हैं। और दूसरी चीज शायद तुमने देखी नहीं, चलो ये चीज हो भी गई, उन्होंने उनको गाली दी जो नहीं देनी चाहिए थी, उसके बाद पारस उनके पास जाते हैं, उनसे हैंडशेक करते हैं और उनसे सारी चीज सही सेटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीज मैं कहना चाहूंगी कि पारस जब वहां पे जाते हैं हैंडशेक करने के लिए, वो हैंडशेक उनका लग रहा था कि वो बस एहसान दिखा रहे हैं कि मैं पहले आ गया तुम्हारे पास, तुम मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लो। यहाँ एहसान की नहीं है बात, ये है कि वो एक दूसरी तरफ जाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अब किस इंटेंशन से आए वो बात की बात होती है, जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो वैसे ही करूँगा, तुझे क्या है ये, और वो आसिम तब भी वही चीज़ करते रहे तो भैया सामने वाला बंदा ही थोड़ी ना फिर बिल्कुल झुक जाएगा, वो उसने कहा ठीक है तुझे जैसा करना है कर। बात वैसे ही है कि यहाँ पे जैसे पिछले दिन भी ऐसा हुआ था कि शहनाज गिल को जब कैरेक्टर पर बात करी थी तो वो तो बहुत बड़ी बात थी, तो उसमें भी कोई उनका सपोर्ट करते हुए नहीं दिखा था, इनके शहनाज की टीम के अलावा बाकी कोई सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे थे, तो वैसे ही आज का भी जो था प्रोवोक सब कोई कर रहा है घर में, एक दूसरे कैरेक्टर की बात पे उठा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी जब अगर कहा जा रहा है इस चीज़ को लेकर कि तुम मर्द बनो
तो ये भी यहाँ पे गुस्सा अगर वो प्रोवोक कर रहे हैं तो सामने साहब माँ की गाली नहीं दे। पारस ने भी कई बार बोली है सिद्धार्थ मतलब उसको आसिम को कि तुम मर्द बनो या फिर तू लड़कियों की तरह है, तू ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत चीज गंद। आसिम और पारस की तो हमने उनका चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल उस टाइम पे वो कंट्रोल करते हैं कि वो गंदा नहीं निकालते अपने मुंह से। ये चीज यहाँ पे पारस को कंट्रोल करनी चाहिए थी कि वो इतना प्रोवोक कर रहे हैं तो माँ की गाली ना दे। लेकिन यास्मीन, पारस और जो आसिम की पूरी लड़ाई हुई वो थी चाय पत्ती को लेकर, तो तुम्हें नहीं लगता कि देवोलीना इसमें कहीं ना कहीं फंस गई? और देवोलीना को बाद में जब इतना ज्यादा बढ़ गई थी लड़ाई, उनको बता देना चाहिए था कि हाँ शायद उस वक्त लड़ाई रुक जाती। हाँ, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में देवोलीना ने एक बात कही थी शेफाली को लेकर कि शेफाली एक चालाक लोमड़ी है। मुझे लगता है कि चालाक लोमड़ी कोई और नहीं, देवोलीना ही है। वो जिस तरह से हरकतें करती है ना, जैसे अब उनका सामने आ रहा है, उनका अग्रेशन भी दिख रहा है। अब कल के एपिसोड में भी उन्होंने अगर छुपाई, चलो ठीक है, उनका कंसर्न ये था कि खत्म ना हो, तो अगर ऐसा था तो इस लड़ाई के बीच में वो आके बोल सकती थी वहाँ पे कि मैंने इस वजह से छुपाई थी, लड़ो मत तुम लोग, यहाँ पे गलती मेरी थी। वो यहाँ पे उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, उन्होंने लड़ाई बढ़ने दी और बीच में यहाँ पे माहिरा छुपाने वाली बात नहीं, जैसे कि याद नहीं हुई है प्रशांत, एक सेकंड, यहाँ पर माहिरा शर्मा भी बीच में आई। अब दो लड़के के बीच में क्या लड़की आके बीच में बचा लेगी दोनों को, दोनों का गुस्सा रोक लेगी? चोट तो लगनी ही लड़की को ही यहाँ पे, तो बीच में आप घुसो मत ना, आप अपने बंदे को संभालो, जैसा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने वहाँ पे कहा था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देवोलीना गलत थी, और माहिरा शर्मा भी बीच में आके वो अगर वो दिखा रही कि मुझे चोट लग गई और मुझे उसने फिर से धक्का दिया, तो ये भी मतलब ये पूरी टीम ही मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लग रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बोला कि कंसर्न दिखाया था रखने के लिए, ऐसा नॉर्मली हर किसी के साथ होता है कि कोई कुछ चीज़ को रख देता है तो वो भूल भी जाता है। हमने पिछले सीजन्स में भी देखा है कि इसको लेकर लड़ाइयाँ हुई, कभी फनी फनी भी हुई हैं कि छुपा देते थे शूज में, छुपा देते थे किसी चीज़ में। तो पर यहाँ पे जब उन्होंने वो शायद क्या पता भूल ही गई हों रख करके, क्योंकि रखा तो उन्होंने सभी के लिए था, अगर वो अकेले के लिए, हाँ अकेले के लिए रखती बात अलग थी, सभी के लिए रखा था, और वो रखती हैं तो फिर सबको मिलता भी है वो, अगर वो नहीं रखें तो शायद मिले भी ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ठीक भी थी। अब जैसे कि अगर वो लड़ाई नहीं बढ़ती, अगर वो बता देती, अब क्या पता उन्हें वो सच में ही भूल गई हूँ इस चीज़ को लेकर के। रही बात माहिरा की, जो इन्होंने बोली कि बीच में नहीं आनी चाहिए थी, अगर दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लड़कियों के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई किसी को तय नहीं कर सकता है कि उसे बचाने के लिए कौन जाना चाहिए। अगर वो उसकी फ्रेंड है नहीं जाती, तो आगे ये बात बन जाती कि भैया माहिरा पारस की इतनी अच्छी फ्रेंड है, चुप से खड़े होकर के देख रही थी सारा तमाशा, उसने कोशिश करी बचाने की। रही बात हाथ की, तो हाथ में तो उसके लगा उसने पट्टी भी बांधी, आपने गर्म पट्टी भी बांधी, और उसने ये चीज़ बोली भी है कि उसको प्रॉब्लम भी है, वो इतनी झड़प नहीं करती क्योंकि उसका हाथ खुल जाता है, उनको कुछ प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पर मुझे यास्मीन की बात से मैं सहमत नहीं। दर्शिका, देखा जाए तो ये जो हफ्ता था वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था। हमने देखा बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, सिद्धार्थ डे ने शहनाज को लेकर उनके करेक्टर पे बात की, शेफाली ने शहनाज के करेक्टर पे बात की, बहुत सारा बवाल देखने को मिला। इवन ये तक हो गया कि लोगों ने कंटेस्टेंट ने ये कहा कि हमें घर से बाहर जाना है। ठीक है, तो अब बात ये है कि आज वीकेंड का वार है, सलमान खान अब वार तो लगाने ही वाले, तो तुम्हें क्या लगता है आज वीकेंड के वार में क्या क्या धमाल हुआ? मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से ये हफ्ता बीता है, जैसे मतलब उसी सोमवार से ही बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़ा और बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसको लेके घर में किसी के करेक्टर पे सवाल उठ रहा है, कोई रो रहा है, कोई मतलब घर से बाहर, हाँ कोई घर से बाहर जाने की जिद कर रहा है, कोई छुप छुप के रो रहा है, किसी की दोस्ती टूट गई, किसी का मतलब क्लोज आ गए, पूरा घर बट गया, मतलब ऐसा लग रहा है खाने को लेकर पूरा घर बट गया अलग अलग दो ग्रुप में। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज और इस टाइम पे गंद बहुत हुआ है कि जो टास्क सीढ़ी वाला टास्क जो था उस टाइम पे तो सबने हदें पार कर दी, रद्द हो गया और नॉमिनेट सब हो गए बेसिकली। ये सीजन, इस सीजन में क्या हुआ है ना, ज्यादातर टास्क रद्द ही हुए हैं, जितने भी टास्क तुम देख लो, सांप सीढ़ी से पहले वाला टास्क भी, तो सारे जो छोटे वाले टास्क हो तो फिर भी एक बार वो बच जाते, जो मेन टास्क होते हैं वो सारे रद्द ही हो जाते हैं। और इस बार घर में सबने सिर्फ ना सिर्फ जबान से लड़ाई करी अपनी, बल्कि एक्शन फिजिकली भी काफी देखने को मिला सभी के बीच में। कभी लड़की सिद्धार्थ शुक्ला ने माहिरा शर्मा को धक्का दे दिया था, ऐसा लगता है कि इस टाइम मतलब सिद्धार्थ डे को जिस तरीके से उन्होंने शहनाज के ऊपर उनके करेक्टर पे उंगली उठाई थी, शेफाली को, और रश्मि देसाई भी मुझे कहीं कहीं गलत लगती है जिस तरीके से वो बोल रही थी, तो मुझे लगता है इनकी अगर वाट नहीं लगी तो इस टाइम सलमान फेयर नहीं है। यास्मीन, तुम्हें क्या लगता है सलमान खान को आज किस किस की वाट लगानी चाहिए? साफ है यहाँ पे तो सिद्धार्थ डे का जिस तरह से हरकतें अभी उन्हें बीते एपिसोड में की है उन्हें लगानी चाहिए, और दूसरे तो पारस छाबरा हैं जिस वजह उन्होंने माँ की गाली दे दी है,
तो ये दो कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्हें मतलब अगर नहीं बोले यहाँ पे सलमान तो ऑब्वियसली बात है उन्हें पार्शियल। यास्मीन सिद्धार्थ शुक्ला ने भी तो माहिरा शर्मा को धक्का दिया और लड़कियों के बीच में, तो तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें भी बात लेना? सिद्धार्थ शुक्ला ने धक्का नहीं दिया था, सिद्धार्थ शुक्ला ने वहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश की, तब वो हाथ यूं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सामने वाली लड़की अगर है, लड़का वहाँ पे होता तो इतना बवाल नहीं होता, लड़की वहाँ पे थी तो उन्होंने बवाल मचा दिया इस चीज़ को लेकर। क्या लगता है प्रश्न? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो शेफ अली बग्गा की डांट लगानी चाहिए सलमान को, इवन लगाएंगे भी, क्योंकि शेफ अली बग्गा एक लड़की होकर के एक लड़की के ऊपर, अगर एक लड़की ही लड़की को नहीं छोड़ेगी तो लड़कों से क्या वो, बिल्कुल हमने अपकमिंग में भी देखा था, गुंजाइश करी जाती है। सलमान खान इतने ज्यादा भड़कते हैं उस चीज को लेके, इवन वो इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो आना ही नहीं चाहते थे आज, उनको इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था जो कंटेस्टेंट ने घर में गंद मचाया है। शहना जो शेफ अली बग्गा है उन्होंने सोना, उसके साथ सोती है, ये करती है, वो करती है, तुम सलमान भी इस चीज को बोलता है कि तुम एक लड़की की इज्जत नहीं करती हो, तुम्हें कैसा मिलेगा? सिद्धार्थ डे को भी वो सलमान खान अभी आज के एपिसोड में, हाँ शेफ अली बग्गा को सलमान ने ये भी बोला कि जब तुम उसको ऐसा दे रही हो तो तुम्हें कैसा मिलेगा, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है उन्होंने ये किया। इसके अलावा सिद्धार्थ डे को भी सलमान खान, जैसे लोग बोलते हैं कि हमेशा सलमान उसका सिद्धार्थ डे का सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार सलमान खान बहुत गंदा उनको बोलते हैं कि तुम राइटर हो, राइटर ये तुम क्या दिखा रहे हो, तुम हद क्रॉस कर दी, चुप रहो, बहुत गुस्से में सलमान बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम अपनी पहचान बनाने आए थे, तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि वो इतना गंदा उन्होंने बोला। सबसे ज़्यादा तो सलमान को इस बात पर गुस्सा आएगा कि उन्होंने जो बोला कि तेरे पे थूक दिया, ये बहुत गंदी बात है। देखा जाए दर्शिका, पारस छाबड़ा की भी आज क्लास लगने वाली, क्योंकि उन्होंने कहा था चिक चिक करने चिड़चिड़ करते हैं सलमान खान तो और पारस ने इस बात से मुकर भी गए जो हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा। हाँ, पारस छाबड़ा जो हैं वो इस चीज को लेकर के उन्होंने अंदर बोला कि सलमान खान ये और वो, तो सलमान खान इस पे इतने ज्यादा भड़क गए कि तुम उन्हें उन पर भी एलिगेशन लगा दिए कि मैं तुमको ही बोल रहा हूँ ये और वो, तो सलमान उनको भी काफी सुनाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पारस ने बोला, पारस ने लड़ाइयाँ भी की सलमान के खिलाफ बोला, और जिस तरीके से कल घर में हाथापाई हुई, उस चीज़ को लेके पारस की तो वाट लगनी है, और क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने मतलब जिस तरीके से हुआ था, वाट लगी थी उनकी पिछले वीकेंड के वार में, उस टाइम पे भी जैसे ही सलमान गए उसके बाद उनकी कि ये मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा है वैसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे वो सुनने वाले हैं अच्छा वाला। और सिद्धार्थ डे की तो क्लास लगेगी ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शहनाज के करेक्टर पे उंगली उठाई थी, इतना गंदा गंदा बोला था कि तुम्हारे मुंह पे उसने थूक दिया, तू जैसी लड़कियों से लड़के बात नहीं करते, तो मुझे लगता है इस चीज को लेके जितना सलमान सुना है उतना कम है। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि इसके अलावा दो और कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनके बीच मुझे लगता है कि उनकी को भी सलमान को उनकी डांट लगानी चाहिए, वो सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने जो हरकतें की उस क्लास के दौरान, वो बहुत ही, वो एक सुलझे हुए आदमी हैं बेसिकली और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी है, लेकिन एक दायरा होता है, अगर तुम जेंटलमैन हो, लोग तुमको इतना प्यार करते सपोर्ट करते हैं, पर तुम इतना एग्रेसिवली कि तुम बचकानी हरकतों पे आ जाओ, वो चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उनकी डांट लगनी चाहिए। वहीं रश्मि को सिद्धार्थ डे का सपोर्ट करना मुझे नहीं लगा कहीं से करना चाहिए था, उन्हें शेफ अली शहनाज गिल की साइड लेनी चाहिए थी, भले ही उनकी उनसे पटे या ना पटे, उन्होंने काफी मैं देख लूंगी, इवन सिर्फ आरती सिंह थी जो उन्हें कंसोल करने आई थी शहनाज को, बाकी कोई भी लड़की घर की नहीं। कल जैसे शेफ अली को शहनाज सॉरी भी बोल रही थी और उन्होंने एकदम इग्नोर करके वो चली गई, और उन्होंने बाद में इनका जो ग्रुप था जैसे देवोलीना रश्मि और शेफ अली ये बैठ के बातें कर रहे थे कि अगर सलमान ने इस बार कोई इसको सुनाया नहीं और इसको कुछ नहीं कहा, इसका सपोर्ट किया, तो हम इसे बताएंगे। अभी तक एक चीज तुमने शायद देखी हो कि जो पारस वाला ग्रुप है वो सिर्फ बोलता ही बोलता है, करके दिखाता है, तो वो शहनाज गिल का ग्रुप है जो हमेशा ही टास्क में जीतता है, तो ये चीज जो दिखती है वो चीज काफी अच्छी लग रही है लोगों। यास्मीन, पारस छाबड़ा ने सलमान खान से पंगा तो ले लिया है, वैसे देखा जाए तो पिछले सीजन में प्रियंका जग्गा, ओम स्वामी, जुबेर, इन्होंने भी सलमान खान से पंगा लिया था, उसका असर सबको पता है क्या हुआ था, तो क्या लगता है सलमान खान अब हर इस बार अगर पारस छाबड़ा नॉमिनेट सभी है सारे कंटेस्टेंट अगर वो निकलते नहीं है इस बार, तो तुम्हें क्या लगता है अब सलमान का टारगेट रहेंगे पारस? ऑब्वियसली होना तो चाहिए, लास्ट टाइम भी उन्होंने पारस को बोला था, जिस वजह से वो एक्चुअल में वो कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को कि फ्रंट फुट पर लेकर आना उन्हें, लेकिन वो खुद भी फ्रंट फुट पर तो रहते नहीं हैं, वो पीठ पीछे बात करते हैं, प्रोवोक करते जाके सिखाते हैं कि आप ऐसे बोलो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको आंसू बहाने चाहिए, तो अब यहाँ पर भी वो उन्होंने माँ की गाली दे दी, तो काफ़ी चीज़ें हैं वो खुद सामने आकर नहीं कहते, वो पीठ पीछे से वार करते हैं। प्रशांत, जैसे इस जो ये जितना भी ये वाला हफ्ता आया उसमें हमने देखा पैच,
प्रशांत, जो ये वाला हफ्ता था उसमें हमने देखा शेफाली, पारस, ये सब कहते हैं हम घर छोड़ के जाना चाहते हैं। शहनाज भी काफ़ी रोती हैं और वो कहती है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, और पारस ने तो ये तक कह दिया कि दो फाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट। तो तुम्हें क्या लगता है कि सलमान खान इस बात को लेकर भी बोलेंगे और इस चीज को भी आज वीकेंड के बाद उठाया जाएगा? डेफिनेटली सलमान डेफिनेटली बोलेंगे, जैसे कल के मैंने प्रोमोज में देखा है सलमान खान शो में ही नहीं आना चाहते थे क्योंकि सारे के सारे घर वाले बाहर ही जाने में लगे हुए हैं। शायद ये भी शायद हो सकता है कि आज बिग बॉस गेट भी खोल दें, ये भी गेट खोल के दिखाते हैं कि जिसको जाने उसी वक्त सच्चाई सबकी पता चल जाएगी आखिर कौन जाना चाहेगा या किस चीज का ड्रामा लग रहा है। और मुझे साफ पता चल रहा है शो में आए हैं इतनी हरकतें कर रहे हैं तो कोई ऐसे ही तो नहीं जाना चाहेगा कि मुझे जाना है। आश्रीशन तो गए इतने हंगामे के बाद भी ऊपर चढ़े, कुशाल टंडन ने भी काफी कितने लोगों ने जाने की कोशिश करी है ऊपर से भाग भाग के जाने की, कोई तो जा नहीं पाया है इतना, तो फिर ये लोग कैसे जा सकते हैं, सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं। और आज देखना तुम, मुझे लगता है आज दो चार लोगों की नहीं, ज्यादातर लोगों सभी की क्लास लगने वाली क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं अपनी हदें पार करने की कोशिश की है। दर्शिका, आप जाते जाते बात कर लेते हैं, कल के एपिसोड में हमें सिद्धार्थ और रश्मि दोनों सॉर्ट आउट करते नजर आए, बातें कर रहे थे जो काफी शॉकिंग था ऑडियंस के लिए भी, जो भिड़ते नजर आते हैं हमेशा, एक दूसरे की बातें हर वक्त काटते हैं। तो तुम्हें उन दोनों की बातें सुनने के बाद लग रहा है कि अब इनकी शायद दोस्ती हो जाएगी आगे? मुझे नहीं लगता इनकी दोस्ती कभी होगी। और रही बात ये कि मतलब बात करने की, तो सिद्धार्थ ने ही पहल की बात करने की उनसे, रश्मि से, और उसके बाद भी रश्मि एटीट्यूड दिखा रही है थोड़े, मतलब उनका देखा गया कि जिस तरीके से वो बात कर रही थी और वो हंस हंस के बात कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ेंगे, तुम ऐसा करना, मतलब मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलता, तुम मेरे बारे में ऐसे, तो वो भी रश्मि बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलती, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आगे चल के भी इनका कुछ ठीक होने वाला। मैं इस पे ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोनों ने ही, उन्होंने बुलाया, नहीं आती तो कोशिश होती नहीं, दोनों ने आए, दोनों ने बात करने की कोशिश करी, लेकिन जिस हिसाब से उनकी एक जोड़ी है वो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें लोग चुप रहते हुए देखना चाहेंगे कि लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, और इन्हें देखना चाहेंगे लोग लड़ते हुए क्योंकि बाहर सलमान ने बोला भी कि लड़ते हुए लोगों को अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कल क्या हुई कि उसने, रश्मि ने उनको बोला कि मैं तीन चीज़ बोलना चाहूँगी, उन तीन चीज़ों में एक चीज़ रश्मि ने उनको सॉरी भी बोला, अपोलोजाइज़ किया एक चीज़ को लेकर के, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, जब कोई सामने वाला बंदा जिससे तुम कहते हो वो बहुत एटीट्यूड दिखाती है, वो तुम अपोलोजाइज़ कर रही है, तो उस जगह पर तुम्हारा भी यही बनता है कि तुम भी उसको उस चीज़ के लिए फॉरगिव कर दो, लेकिन उन्हें तो कोई चीज़ को फर्क ही नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सॉरी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होना चाहिए, बस ऐसे ही यूं ही बोलने के लिए, हाँ सॉरी बोलने के लिए ही नहीं बोल देना चाहिए। जैसे कल के देखा गया कि सिद्धार्थ शुक्ला पहले आए वहाँ पे, रश्मि वहाँ पे आके पहल तो सिद्धार्थ नहीं, ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी देखा गया था वो लीना के साथ भी उन्होंने की थी, हर बार वही, हाँ एग्जैक्टली, और कल भी ऐसा हुआ तो रश्मि वहाँ पे कहती है उनसे कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन जैसे ही ये दोनों अलग हुए सिद्धार्थ ने बोला, लेकिन सिद्धार्थ ने ये बोला कि दीवार से टकराने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दीवार से टकराओगे तो खुद को चोट लगेगी, उन्होंने बस इतना बोला। लेकिन रश्मि ने क्या कहा वहाँ जाके कि इन्हें तो मैं बताऊँगी, ये तो सिर्फ बौखलाए हुए हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी तुरंत वहाँ से निकला, सॉरी बोला और वहाँ से जाके उन्होंने पीठ पीछे काफ़ी बातें बोल दी। तो ये क्या मतलब है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर रश्मि कहीं से सही है। दर्शिका, जाते जाते तुम बस ये बता दो कि कौन तुम्हें लगता है इस बार आउट होना चाहिए? मुझे लगता है सिद्धार्थ डे, सिद्धार्थ डे आउट होना चाहिए, लेकिन दिवाली वीकेंड है और आज तक दिवाली पे कोई घर से बेघर नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कोई आउट होगा, बट स्टिल अगर कोई आउट होता तो सिद्धार्थ डे। तुम्हें क्या लगता है कौन? सिद्धार्थ डे और पारस चौधरी। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही, बिग बॉस का अड्डा हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।